हे गाइज, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईडी ब्रेन्स। सो गाइज, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि आप लोगों को पता होगा कि महारत्न कंपनी है और ये PSU है, यहाँ से गाइज एक रिक्रूटमेंट निकल के सामने है। जैसे गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, और यहाँ जैसे आप इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ECL भी कहते हैं, तो जैसे ही आप यदि रिक्रूटमेंट नोटिस में जैसे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे गाइज जो है नेक्स्ट पेज के रूप में जो देखिए ये खुल जाने वाला है, जहाँ की माइनिंग सरदार रिक्रूटमेंट नोटिस, ठीक है। और ये डेट देख लीजिए आप, 3/2/2022, दैट मीन्स के आज के डेट में ही समझिए एक तरह से डाला गया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्लिक हेयर मैं करूंगा तो ये PDF जो है यहाँ पे सामने आ जाएगा, ठीक है। इस PDF को मैं सारा आप लोगों को डिटेल्स बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, डेट कब तक है, कब तक अप्लाई करना है, ठीक है, और पेमेंट वगैरह सैलरी वगैरह सारा कुछ इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है, देख लीजिए। तो गाइज यहाँ पे देख लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है, इंटरनल नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और ये संख्या आप देख पाइएगा, जो कि रेफरेंस नंबर ECL CMD रिक्रूट, ये नोटिफिकेशन नंबर है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार T&S ग्रुप C, ठीक है। ECL आप लोगों को पता होगा, ललमटिया कोल माइंस, जो आप लोग का राजमहल परियोजना के क्षेत्र में आता है, और उसी का जो है हिस्सा, जो कि ये ECL ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यहाँ पे स्थित है। और ये इसके बारे में, हालांकि गोड्डा जिला में पड़ता है झारखंड, और मैं इसी एरिया से बिलोंग भी करता हूँ। खैर देखिए, यहाँ पे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है क्या, आपके यहाँ पे देख लीजिए, ए सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड इंगेज्ड इन कोल माइनिंग इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड स्टेट, ठीक है। तो इसका जो है ब्रांच जो वेस्ट बंगाल और झारखंड में है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है ऑनलाइन मोड से जो है वैकेंसियां तो भरनी है, मतलब फॉर्म फिलअप होंगे। वैकेंसीज की बात करूं तो यहाँ पे माइनिंग सरदार T&S ग्रुप सी के लिए, यहाँ देखिए पेमेंट कितना होने वाला है, बेसिक पेमेंट जो है 31,852 रुपए पर मंथ आप लोग को मिलने वाला है, बेसिक पे है। इसके अलावा और इसमें एडिशनल जुड़ करके अच्छा खासा पेमेंट हो जाता है। जनरल के लिए 127 सीट है, EWS के लिए 30, नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए 83, ST के लिए 46, ST के लिए टोटल यहाँ पे देखिए 309। अब बैकलॉग भी ST और PH के लिए देखिए, यहाँ पे PH के लिए तो सीट ही नहीं है, ठीक है, एलिजिबल ही नहीं है वो लोग, नीचे यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को बैकलॉग 4, इन सबको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 313 टोटल पोस्ट है। अब देख लीजिए जितने भी अब यहाँ पोस्ट दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, सभी क्या कैरी करते हैं, BDA एंड अदर एडमिसिबल अलाउंस एज पर नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट, ठीक है, सभी अलाउंस इसमें कैरी करेंगे, TADA ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कहा गया है कि ये जो पोस्ट की संख्या, ये बढ़ाई घटाई जा सकती है, ये पूरा मैनेजमेंट इन चीज को डिसाइड करेगा, और वही इन चीज को कैंसिल भी कर सकता है, नोटिफाइड वैकेंसी एज इट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और फिर फाइनल स्टेज पे जो भी डिसीजन होंगे वो सारा मैनेजमेंट मतलब इसको राइट रखता है, ये बात को पहले डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, PH कैंडिडेट जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कलर ब्लाइंडेड जो पर्सन होते हैं, जिसको कि आंख से शिकायत है, वो व्यक्ति नहीं भर सकते हैं, ठीक है जिन। उसके बाद देख लीजिए, भरने की जो तिथि है वो कब है, आपका 20/2/2022 से स्टार्ट हो जाएगा, 20 फरवरी से, और अंतिम तिथि कब है, तो भाई 10 मार्च तक अंतिम तिथि है। और यहाँ वेबसाइट में आप यहाँ जाकर के कर पाइएगा ऑनलाइन आवेदन, अभी तो एक्टिव नहीं हुआ है, 20 तारीख से हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए डिटेल नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन क्या क्या है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये देखिए न्यूज़पेपर में दिया गया था, जहाँ की सारी डिटेल्स जो है वो सारी चीजें मैंने तो आपको बता दिया, ये पॉइंट आप देखिए, ये पॉइंट्स आ जाइए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि उसमें नहीं दिया था, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर ले, तो देखिए 10+2 और इक्विवेलेंट, पहली बात ये कंडीशन है, पहला कंडीशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10+2 के भर दे, नहीं, 10+2 पहला तो होना चाहिए, आप 12वीं किए हुए हैं। दूसरा, वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS, तो DGMS से आपका माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। उसके बाद थर्ड देखिए, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और चौथा वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो ये चार जो है चीजें आप के पास यदि है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस तो हैं, बट जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो माइनिंग सरदार जो सर्टिफिकेट लिए हैं, वो बाकी ये सर्टिफिकेट जो उनके पास निश्चित ही होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि क्या इसमें मांगा जाता है, ठीक है। या फिर ये यदि है तो बहुत अच्छा, आप अप्लाई कर दिया, या नहीं तो और में देखिए क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, आप माइनिंग इंजीनियरिंग से यदि डिग्री या डिप्लोमा की है तो भी आप भर सकते हैं, हैविंग वैलिड स्टेटसरी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज बाय DGMS टू वर्क एज माइनिंग सरदार इन कोल माइंस। उसके बाद DGMS से भी कुछ जो है आपका यहाँ पे कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए,
ये डिप्लोमा या फिर डिग्री किए हैं, बीटेक किए हैं, पॉलिटेक्निक किए हैं माइनिंग इंजीनियरिंग से, उसके अलावे आपको डीजीएमएस से जो है माइनिंग सरदार का जो है सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज कंपनी। उसके बाद सेकंड देख लीजिए, वैलिड बेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो है डिग्री डिप्लोमा को भी दिया गया अपॉर्चुनिटी, लेकिन साथ ही साथ डीजीएमएस से कंपिटेंसी मांगा जा रहा है आपका जो है सर्टिफिकेट माइनिंग का, ठीक है। आइए अब यहाँ पे देखिए, डेट्स तो मैंने आपको बता दिया, 20 से फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, लास्ट डेट है 10/3 तक, ओके। और ऑफिशियल वेबसाइट यही है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। और ये पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन था गाइस, ठीक है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा यहाँ का जो लाइफ स्टाइल, आई मीन जो टाउनशिप है, ऑलरेडी मैं इसके ही टाउनशिप में एनसीएल में ही रहता हूँ, आई मीन ऊर्जा नगर जहाँ की है इसका टाउनशिप, वहाँ मैं रहता भी हूँ और बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे आप लोग को जो है इन्वायरमेंट भी है। तो जो भी अप्लाई करेंगे बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा पैकेज आपको भी मिलने वाला है। जितना दिखाया जा रहा है वो तो खैर आपका बेसिक है, अब इसके अलावा भी आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा में जुड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए और भर लीजिएगा फॉर्म, और कुछ जानकारी कुछ चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। बट उसके पहले जो बच्चे नहीं भर पा रहे हैं वो निराश ना हो, क्योंकि यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज आप लोग के लिए अवेलेबल है। चैनल पे अपडेट है जो कि प्लेलिस्ट के माध्यम से आईटीआई जॉब अप्रेंटिस एडमिशन के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। देखिए आर्मी बेस कैंप से जो आया हुआ है 512 आर्मी बेस कैंप से आया हुआ वैकेंसी, IOCL का भी अटेंडेंट आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए डिग्री डिप्लोमा के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है, भर सकते हैं आप। उसके बाद और सब भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए तो बहुत सारी चैनल पे अपडेट्स हैं, जरूर भरिएगा। अपकमिंग वैकेंसी JBVNL जो झारखंड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आने वाला है, और इस पे जो है देखने को मिलेगा 2-4 महीने में। HPCL की अप्रेंटिसशिप आई हुई है, फिर यहाँ पे मेट्रो कोलकाता मेट्रो की 21 फरवरी जो है इसका लास्ट डेट है, फिर IOCL की भी जो है वैकेंसी अप्रेंटिसशिप की आई हुई है, और जॉब से रिलेटेड भी मैंने आपको बताया ना वो भी अटेंड, और फिर जो है टेक्निकल असिस्टेंट की आई हुई है। साउथ सेंट्रल रेलवे का जो है डीबीओ वगैरह का चलेगा अप्रेंटिसशिप के लिए। गाइस यहाँ बहुत सारे अपडेट्स हैं, जरूर देख लीजिएगा। नवोदय विद्यालय का भी आया हुआ है, NBS का आया हुआ है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में, अगले इन्फॉर्मेशन के लिए आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।